देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2021 पजेरो स्पोर्ट्स के बारे में। हालांकि मित्सुबिशी कंपनी ने इस कार को इंडिया में 2019 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन आज के डेट में ग्लोबल मार्केट में इस कार को बेचा जाता है। हालांकि 2021 का मॉडल है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और पर्सनली मुझे इस कार का एक्सटीरियर लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 2019 वाला जो मॉडल था इंडिया का और जो 2021 का मॉडल है इंटरनेशनल का, दोनों ही मॉडल के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ वीडियो या फिर इमेज डिस्प्ले कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मित्सुबिशी कंपनी ने पजेरो स्पोर्ट्स को सबसे पहले 1996 में लॉन्च किया था। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है और जो 2021 का मॉडल है उसके अंदर आपको 5 सीटर वाला वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर कंपनी ने 7 सीटर वर्जन भी दिया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके वेरियंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में पजेरो स्पोर्ट्स के अंदर आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर GLX ये बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा GLS और XZ ये और 2 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2021 के मॉडल के अंदर कंपनी ने 2.4 लीटर मीवेक टर्बो डीजल इंजन दिया हुआ है, जिसकी मदद से ये कार लगभग 175 bhp की पावर आउटपुट और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। 8-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन को फॉर्च्यूनर के इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ कंपेयर करूं तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा कम पावर वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। हालांकि फॉर्च्यूनर लगभग 201 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वही ये कार 2-wheel drive और 4-wheel drive सिस्टम के साथ अवेलेबल है, तो इसको आप ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2021 पजेरो स्पोर्ट्स के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करो तो इसका जो फ्रंट फीशिया है, इसके अलावा इसका साइड का प्रोफाइल और इसका जो रियर का प्रोफाइल है, ये कंप्लीटली न्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका फ्रंट फीशिया, इसका रियर का प्रोफाइल और इसका साइड प्रोफाइल दिखने में काफी हद तक मस्कुलर है। हालांकि जो इंडिया वाला मॉडल था वो तो इतना ज्यादा अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो अपडेटेड वर्जन है लाइक 2021 का, वो तो मतलब लाजवाब है। पर्सनली मुझे इसका एक्स्ट्रा लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके फ्रंट फीशिया में आपको सी शेप में 2 क्रोम बार्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि DRL को और हेडलाइट को कवर करते हैं। इसके अलावा इसके लोगो के सराउंडिंग में सिल्वर के बार्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी सिल्वर के ग्रिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और रेडिएटर के ग्रिल्स आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके फ्रंट फीशिया के ग्रिल्स 2 स्लॉट में डिवाइडेड है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको LED DRL की लाइन देखने को मिल जाएगी। फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसका जो लाइटिंग का सेटअप है वो भी काफी हद तक बढ़िया है। डिजाइन एलिमेंट्स तो पर्सनली मुझे इस कार के बहुत ज्यादा अच्छे लगे। इसके फ्रंट के बम्पर्स और इसके रियर के बम्पर्स काफी हद तक मस्कुलर है। इसके फ्रंट के बम्पर्स के ऊपर और रियर के बम्पर्स के ऊपर आपको सिल्वर स्किड प्लेट का ऑप्शन भी मिलने वाला है। वही अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये कार साइड से भी दिखने में काफी हद तक बढ़िया है। इसके अंदर कंपनी ने ड्यूल टोन कलर के अलॉय व्हील दिए हुए हैं। इसके अलावा ड्यूल टोन कलर के ORVMs भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके ORVMs के ऊपर टर्न इंडिकेटर और 360 डिग्री का एक कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है XZ, उसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल की बात करूं तो आप इसका रियर का फीशिया देख सकते हैं। इसके रियर में जो सबसे मेजर अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो है इसका LED टेल लाइट। हालांकि बहुत सारी कारों के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन में LED टेल लाइट देखी होगी, लेकिन इस कार के अंदर कंपनी ने वर्टिकल डिजाइन में LED टेल लाइट का सेटअप दिया हुआ है, जिसका डिजाइन भी काफी हद तक कूल लगता है। इसके अलावा इसके रियर के बम्पर्स भी काफी हद तक मस्कुलर है, जो कि ड्यूल टोन कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके इंटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये कार 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है। ऑलरेडी ये चीज मैंने आपको बताई है। इसका इंटीरियर का थीम आपको सिंगल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने इसके अंदर बहुत ही प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया है सीट्स के ऊपर, अपोस्ट्री और डैशबोर्ड के ऊपर। एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर आपको 8 इंच का बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस कार के अंदर कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है, आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कार का। इसके अलावा ड्राइवर के लिए 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर ड्राइवर भाई के मजे होने वाले हैं। पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि मल्टीपल USB पोर्ट्स हो गए, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी के कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। गाने सुनने के लिए कंपनी ने इसके अंदर 8 स्पीकर का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर आपको 4 ट्वीटर्स भी मिलने वाले हैं।
तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके इंटीरियर फीचर्स की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक फीचर को एक्सप्लेन करूँ। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं ऑल न्यू 2021 पजेरो स्पोर्ट्स के अंदर, जिसको ग्लोबल मार्केट में अभी फिलहाल के लिए बेचा जा रहा है। लेकिन इस कार को कंपनी ने इंडिया में 2019 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। हालांकि उसके पीछे रीज़न ये था कि इसके जो सेल्स रिपोर्ट थे वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे थे 2019 और 2018 के उस दौरान। उस समय फॉर्च्यूनर और एंडियर ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी, तो इसलिए इस कार को बहुत कम लोग परचेस करते थे। हालांकि तब इसके अंदर इतने बढ़िया फीचर्स नहीं दिए थे कंपनी ने जिसको देना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्सुबिशी कंपनी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में री एंटर करने वाली है। शायद अगले एक दो साल के अंदर मित्सुबिशी कंपनी अपनी पहली कार इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। वहीं इसकी प्राइस इंडियन मार्केट में 30 या फिर 35 लाख रुपए के आसपास हो सकती है जब मित्सुबिशी कंपनी उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। आपको क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए अगर ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है? वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।